नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। नेता प्रतिपक्ष यानी कि गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल असम का बना दिया गया है और उसके बाद भी राजस्थान भाजपा में नए नेता प्रतिपक्ष की तलाश शुरू हो गई है। अब भाजपा में शीघ्र ही नए प्रतिपक्ष नेता का चयन होने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है, इस पर भाजपा की आगामी राजनीति की दिशा तय होगी। प्रतिपक्ष नेता के तौर पर पूर्व सीएम राजे, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई नेता दौड़ में शामिल हैं। लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात में चौंकाने वाले नाम सामने आने की संभावना है। गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद में प्रदेश भाजपा की आंतरिक समीकरणों में व्यापक बदलाव आने की स्थिति बनी हुई है। प्रतिपक्ष के नेता को चुनने के लिए बड़ी सोच समझ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी को देखते हुए पार्टी में एक ऐसे नेता को प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए चुनने की तैयारी चल रही है, जो सबको साथ लेकर के आगे चले और भाजपा में मजबूती बनाए रखे। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण शर्मा के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।